नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बीएस उत्तम स्टडी में। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार में होने वाली 3 परीक्षाओं का स्थगित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगी कौन कौन से परीक्षाओं का स्थगित किया गया है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे दबाकर बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बताया गया है बिहार बोर्ड ने अप्रैल की 3 परीक्षाओं को किया स्थगित। आगे आप लोगों को विस्तार से बतलाता हूं। चलिए, बताया गया है बिहार बोर्ड ने कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अप्रैल और मई में होने वाली 3 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। उन्होंने कहा कि डीएलएड विशेष परीक्षा 2020, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 तथा माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 परीक्षाएं अब बाद में ली जाएगी। ज्ञात हो कि 26 से 31 अप्रैल तक डीएलएड विशेष परीक्षा ली जानी थी, वही इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा 29 अप्रैल से 10 मई तक और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 5 मई से 8 मई तक ली जानी थी। आगे बताया गया है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने स्थगन की दी जानकारी। ठीक है, यानी जो भी मैट्रिक इंटर का कंपार्टमेंटल का एग्जाम होना था वो अभी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में बिहार बोर्ड को सोचनी चाहिए थी कि पिछले वर्ष जो भी स्टूडेंट्स एक या दो सब्जेक्ट में फेल थे उन्हें पास कर दिया गया था। ठीक है, तो इस वर्ष भी बिहार बोर्ड को ये फैसला लेनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए कंपार्टमेंटल का एग्जाम को स्थगित करना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से एग्जाम को स्थगित करने से मैट्रिक इंटर के छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो डिपेंड हो गए हैं कि नहीं कंपार्टमेंटल से एग्जाम देंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी कंपार्टमेंटल का एग्जाम कब लिया जाएगा, कब रिजल्ट दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बिहार बोर्ड को जो भी छात्र एक या दो सब्जेक्ट में फेल थे उन्हें पास करना चाहिए था। ठीक है, ताकि बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, आपका क्या राय है नीचे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।